बस 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 और फ्लास मत लगाइए, आई थिंक इतने काफी हैं। आप एक काम करिए, बाकी के फ्लास गेट पे सजाइए। अब क्या बजा रहे हो? 70s के म्यूजिक नहीं चाहिए, वी वांट द लेटेस्ट सॉन्ग्स, समथिंग लाइक बेबी डॉल। मुझे संगीत जैसी ढिलाई बिल्कुल नहीं चाहिए। यस सर, सब कुछ वेल मैनेज्ड रखना। ओके, यस सर। हमने जो मेन्यू दिया है वो राम का फेवरेट मेन्यू और वही रहेगा, इट्स परफेक्ट। ओके प्रिया, चलो मुझे तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जाना है, और प्लीज किसी को बताना मत, नहीं तो वो लोग हमें कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ ठीक तो है मिस्टर कपूर, आज हमारी शादी है, कहाँ जाएंगे हम? बताइए तो सही, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अरे तुम आओ तो सही यार, सब पता चल जाए। अरे कम, अच्छा ओके चलिए। मेरे होने वाले पति देव, अब तो बता दीजिए कि हम जा कहाँ रहे हैं? It's a surprise and you're going to love it. I'm sure I'm going to love it, लेकिन ये जो हम घर वालों से छुपकर इस तरह बाहर कहीं जा रहे हैं, वो भी उस दिन जिस दिन हमारी शादी होने वाली है, ऐसे लग रहा है जैसे हम टीनेजर्स हैं, I swear, और छुप छुप के बाहर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, और वो भी शादी के दिन। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये ओ यहाँ पे आए हैं हम, नींबू पानी। शादी से पहले नींबू पानी तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, लेकिन एक शर्त पे, इस बार आप नींबू पानी वाले को छोटे पैसे देंगे, हजार हजार के नोट नहीं जैसे शादी वाले दिन दिए थे। बीजी पर ये राम और प्रिया हैं कहाँ? अरे थे कितने और, ये क्यों चिंता करती है? अरे दादी रूम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस वेडिंग डे आज क्या जा सकते हैं? तो नजर रखनी चाहिए ना यार, और तू तो उसका खास दोस्त है। अरे तू तो जानते ही है ना कि राम कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्यों मम्मी जी? अरे जस्ट कॉल देम नाउ, नींबू पानी में ना नमक अगर। गोलू पुत्र, तेरे पैरों में क्या चक्कर है क्या? तू शादी के दिन भी घूमने चला गया था, एक दिन भी तू टिक के नहीं बैठ सकता। अब वही वही तो दादी, मैं भी इन्हें मना कर रही थी कि मत जाओ, आज शादी हमारी घर से बाहर, लेकिन आप तो जानती हो ना अपने गोलू पुत्र को, जिद पे आ जाते हैं तो फिर किसी की सुनते ही नहीं है। कितना समझाया मैंने, लेकिन नहीं बोलने लगे कि इतना जरूरी काम है, चलो तुम भी मेरे साथ। मैं नहीं जाना चाहती थी दादी, पर वो काम के लिए। बोलना गोलू, कहाँ घूमने गया था? वो दादी कहीं नहीं, बस घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा प्रिया को कहीं घुमा के ले आऊं। काम से गए थे। अच्छा और अब हम तैयार कब होंगी? अरे यार हम आदमियों को वक्त नहीं लगता रेडी होने में, बट प्रिया तो दुल्हन है ना, उसको तो सजने में टाइम लगेगा। हाँ वो भी ना। अरे यार सर, सेकंड मैरिज, सबने प्रिया को देख लिया है, तुम लोग सब इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? अरे अब बहस छोड़ो भी ना, बहुत देर हो रही, चल प्रिया जल्दी जाके तैयार हो। हाँ फटाफट, मैंने मना किया था। चल कम जल्दी जाओ, खेती करो। नो गाइस क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यू नो बाकी सब तो ठीक है, बट आई थिंक दिस इज एक्स्ट्रा, इसे निकाल देते हैं प्लीज। मॉम यू लुकिंग सो प्रीटी एंड ब्यूटीफुल, आई स्वेयर। अरे यार बट आई जस्ट विश कि आपको किसी की नजर ना लग जाए यार। नो दी, आज तो मॉम को डैड की नजर से कोई नहीं बचा सकता, शी इज लुकिंग सो प्रीटी। आई नो, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है नताशा, ये सब करने की क्या जरूरत है, मतलब इस उम्र में ये सब? अभी मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए और मैं अपनी शादी में लगी हुई हूँ, आई एम फीलिंग बहुत अजीब यार। अब इतना अजीब लग रहा है तो तुमने शादी का आइडिया दिया क्यों? आइडिया किसका था? तुम्हारा, सो नॉट डील विद इट। अरे मैंने तो आइडिया इसलिए दिया था ताकि जूही की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मुझे थोड़ी पता था कि मिस्टर कपूर सब कुछ इतने
ग्रैंड स्केल पे करेंगे, मतलब भाई कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह होगी ना, सो लेट इट बी यू चिल, लेट भाई हैंडल ऑल दिस, और तुम ये बार बार पीछे क्यों कर रहे हो अपनी छोटी, आई डोंट अंडरस्टैंड। वन सेकंड, ये सब ना मुझे पहनना पड़ रहा है, तुम्हारे भाई को नहीं, वो तो सब कर रहे हैं लेकिन झेलना मुझे पड़ रहा है, दिस छोटी विल स्टे एट द होम, डोंट वरी, क्योंकि दुल्हन के फेस पे ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए शादी के टाइम पे, और ये छोटी आगे रहने वाली है, स्माइल यार, स्माइल मॉम, परफेक्ट। ओ सेडू, एक बात जरा सच्ची सच्ची बताना, कुछ अजीब नहीं है वो इस उम्र में राम और प्रिया की शादी, कुछ अजीब नहीं है? अजीब क्यों मामा जी, और इनफैक्ट आपको तो अजीब लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस उम्र में आपकी कोई स्वीट हार्ट हो सकती है तो भैया और भाभी की री मैरिज इवेंट क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं तुझे बताना ये चाहता था, मैं कहना ये चाहता था, मतलब मामा जी आपका मतलब जो भी हो, मुझे लगता है ये शादी लोगों के लिए मिसाल होगी, इट विल बी इंस्पिरेशनल, देखना आप। ओ चल, तू कहता तो मान लेता हूँ, तू तो मुझे ये बता कि आज रात को कुछ पीने पिलाने का माहौल है कि नहीं, या सुखे ही सुखे नचाओगे? मामा जी आपका कुछ नहीं हो सकता, गिव अप, जा रहा हूँ मैं। हैं, कमाल है। ओ भाई, पीना पिलाना पुण्य का काम होता है, चल तू मत कमाना पुण्य, मैं कमा लूंगा पुण्य पी पिला के। अभी तो मैं क्या यार प्रिया, I can't believe तुम और फैटी दोबारा शादी कर रहे हो, and I'm not there. I'm sorry यार. I understand that. लेकिन मैं तुम्हें बहुत miss कर रही हूँ नेहा. I wish you were here. I miss you too. देखो तुम मुझे सारी photos भेजना हाँ, वरना I'll crash your honeymoon. Yeah okay. मैं तुम्हें सारी pictures भेजती हूँ okay. Yeah miss you. Love you, bye. Bye. प्रिया, पापा, ये क्या बेटा, तू तो अभी तक पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुई है। मॉम प्लीज, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बल्कि पूरी तरह से भी कुछ ज्यादा ही तैयार हूँ। लेकिन कहाँ हुई है तैयार बेटा, देख देख देख, ये तेरी ब्राइट रेड लिपस्टिक कहाँ है? हाँ, अरे उसके बिना तो कैसे दुल्हन लगेगी बता ना, बिल्कुल डल डल सा लग रहा है। ना 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 माँ, इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, पता है? पापा समझाइए ना इन्हें। शिप्रा, देखिए आप औरतों के बीच मत बोलिए बेटा, अब देख बाहर इतना हैवी डेकोरेशन है, सब रेड रेड कलर है, उसके साथ कुछ मैचिंग दिखना तो चाहिए ना बेटा, लगानी तो बिल्कुल डल लग रही है, उसमें मर्ज हो जाएगी। एक मिनट एक मिनट, उस डेकोरेशन की ना अब बात ही मत करो, आपके दामाद को ना पैसा फेंकने का शौक है, शौक उन्हें अच्छा लगता है, ये सब कुछ ना एकदम सिंपल होना था पापा, लेकिन देखो कितना सब ग्रैंड बना दिया उन्होंने। प्रिया बेटा, तू अब तो मिस्टर राम के साथ एडजस्ट करना सीख लेना। माँ देख, मैं तेरे पापा के साथ कैसे एडजस्ट कर रही हूँ अभी तक, कर रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तू तो जानती है प्रिया, तेरी माँ ने कितना एडजस्ट किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रिया कि शिप्रा पहली बार सच कह रही है, मुझे लगता है तुझे अब राम के साथ एडजस्ट करना चाहिए बेटी। नॉट फेयर पापा, आप भी मम्मी की टीम हो गए हो ना। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। पता है ये सब कुछ ना इन्हीं दोनों का किया धरा है, लुक एट मी, क्या हालत बना दी है मेरी इन दोनों ने, पागल है ये दोनों। अरे पागल शैतान नहीं, समझदार हो गई हैं, और इतनी समझदार हो गई हैं कि मुझे लगता है अब तुझे इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो देख ये कितनी अच्छी तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती है, पता है हमारे घर है ना फॉर्मल वे में इनविटेशन कार्ड देने आई अपनी नाना नानी को। वरना कन्यादान कौन करता? That's why नाना नानी had to come. और वैसे भी मॉम हमें पता है लड़की सबसे ज्यादा मिस ना अपने पेरेंट्स को अपनी शादी पे करती, और हमें पता था कि आप भी नानू और नानी को ना बहुत मिस करते। That's why we call them. यार इन औरतों का ना यही प्रॉब्लम है, कितनी देर लगाते हैं तैयार होने में, तब जैसे हैं वैसे नहीं आ सकते क्या? और क्या भाई, अब तक तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि औरतों को कितना टाइम लगता है मेकअप लगाने में, और फिर आज तो वेडिंग डे है,
टाइम तो लगेगा ही। हाँ जी, इसको तो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हैं? ले आगे तेरी दुल्हन। मैं वारी जावा तत के जावा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्रिया पुत्र की। दादी नजर तो उतारिये मॉम की। रुक जाओ, मैं काजल से ही काला टीका लगा लेती है। दादी ऐसे नजर नहीं उतारते, हजार के नोट के साथ उतारते हैं। हाँ, जिससे वो हजार का नोट तुझे मिल जाए, है ना? यस। ए चंट के थोड़ी बहुत ही होए का आ रहे तू ते। पापा मैं अभी आई। ओ यार यही मौके होते हैं, मुझे अब लगता है कि वो ब्याह क्यों नहीं कराया मैंने। मुझे देर का हुई है, कर लो। हाँ, तू दिलाएगा कोई लड़की? बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लग रही हो, अगर इतनी खूबसूरत लगी तो मुझे और प्यार हो जाएगा तुझसे। Excuse me? अगर मैं इतनी खूबसूरत नहीं लग रही होती तो आपको मुझसे नहीं किसी और से प्यार हो जाता। अरे बीरम, वो मतलब नहीं था यार। आपका जो भी मतलब था ना, गलत था। This is not done mistake. आप ना मेरे से फ्लर्ट कर रहे। तो बीवी के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा तो और किसके साथ फ्लर्ट करूंगा? अरे कौन सी बीवी, अभी हमारे फेरे होने बाकी है मिस्टर कपूर। ये तुम भी बच्चों की तरह शादी को इतना सीरियसली ले रही हो। What do you mean? हमारी ये शादी सीरियसली नहीं हो रही। मिस्टर कपूर वेरी बैड है। एक तो आप मेरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, ऊपर से शादी भी फेक कर रहे हैं। वेरी बैड। ले लो ले लो, मजा ले लो। आज तुमको सब माफ है, because you're looking so pretty कि आज तुम पे गुस्सा हो गया। May I have your attention, please, everyone? Mummy and Papa, on this special occasion, we want to dedicate something very special to you, directly Dil. I hope you like it. ये दोबारा शादी करने में और भी मजा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इस बार हमारे बच्चे भी है ना। कितना अच्छा डांस किया ना बच्चों ने, मैं जरा उन्हें पर्सनली कॉम्प्लीमेंट करके आती हूँ। हाँ, 2 मिनट्स। मेरा एक्सक्यूज मी, मुझे इससे बात करनी, सॉरी। हाँ, तूने पापा को बताया तो नहीं मेरे सरप्राइज के बारे में? नहीं बताया मॉम। तेरा भरोसा नहीं है, तू पापा की चमची है, तूने जरूर बता दिया होगा। कुछ भी डाउट कर रहे हो? नहीं बताया मैंने। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस? पक्का वाला? पक्का प्रॉमिस। ओके ओके, प्ले करना। अटेंशन एवरीवन, आज के लगभग सारे सरप्राइजेस हो चुके हैं। अब आज का सबसे स्पेशल सरप्राइज जो मॉम ने पापा के लिए तैयार किया। आइए आप लोग मंडप में आइए और शादी की रस्म शुरू करते हैं। अरे ऐसे थोड़ी यार, कोई कुर्सी लाओ प्लीज। क्या हुआ, आपको कुर्सी क्यों चाहिए? अरे मैं ऐसे थोड़ी बैठ सकता हूँ, तुम जानती हो। इसीलिए मैं आपसे कहती थी मिस्टर कपूर, अपना ये वजन कम कीजिए। अब इस वजन की वजह से आप कुर्सी पे बैठेंगे शादी के लिए? तुम मुझे मोटा कह रही हो। मैंने आपको मोटा नहीं कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि आपका वजन ज्यादा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं मोटा हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। आप ना मुझसे शादी से पहले झगड़ा कर रहे हैं मिस्टर कपूर। झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा तुम कर दियो। झगड़ा नहीं झगड़ा। और हाँ, झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया, आपने शुरू किया। अरे यू डिड इट यार, यू डिड इट। आइए आइए मंडप में बैठिए, बातचीत बाद में करिएगा। आप अपना काम करिए ना, हमको पता है शादी कैसे होती है। ओके चलो चलो। यू फर्स्ट। अरे डोंट डू दिस यार। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। एक बार तो हमने तुम्हारी शादी करवा दी, अब कन्यादान भी कर दिया, अब इसके बाद की रस्मों की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब गठबंधन की रस्म शुरू कीजिए। इसके लिए तो नताशा की हेल्प ले सकते हैं ना? हाँ, नताशा बेटा आ जा। मॉम, अरे अंदर आजा, दरवाजा लॉक नहीं है। कितनी तेज नॉक कर रही थी तू? पापा सो रहे हैं। वो सब बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए पुरानी साड़ी क्यों पहनी आपने? और ये झुमके? मैं बस ये इयररिंग चेंज कर। अरे ये नहीं पहनोगी?
पहनूंगी ना, लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेजन होगा ना तब पहनूंगी। ये कौन से जमाने के झुमके पहने मॉम आपने? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन कल ही आपकी शादी हुई है तो कुछ नया पहनना चाहिए था ना। ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी है? फिर ये क्यों पहना? इसलिए क्योंकि ये साड़ी ना सारी नई साड़ियों से ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और ये झुमके भी। मैंने तेरे डैड से प्रॉमिस किया था कि इन्हें किसी बहुत ही स्पेशल दिन पहनूंगी, और आज से ज्यादा स्पेशल दिन और क्या हो सकता है? ठीक है, तब तो अलाउड है, पहन सकते। अब बता मुझे कि इतनी तेज तेज नॉक क्यों कर रही थी दरवाजे पे? मैं तो भूल ही गई, हमने आप दोनों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज प्लान करा है। आप जल्दी से आ जाओ, मैं जा रही हूं। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। राम उठो ना, अरे बच्चों ने हम लोगों के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया, चलो। अरे यार ये बच्चे हैं कि सरप्राइज की टोकरी, अब क्या सरप्राइज दे रहे हैं यार। आपको तो खुश होना चाहिए, कितने प्यार करने वाले बच्चे मिले हैं हमें। हाँ प्यार करने वाले बच्चे मिले हैं, लेकिन मैं भी तो अपनी बीवी को प्यार करना चाहता हूँ, उसका टाइम कब मिलेगा? उसका भी टाइम मिलेगा, लेकिन अभी आप उठिए, जल्दी से तैयार हो जाइए प्लीज, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। कम, मैं जा रही हूँ। ओके ओके। हाँ भाई आ गई नीचे, अब बताओ क्या सरप्राइज प्लान किया है तुम लोगों ने, और तुम लोग सब इतनी सुबह सुबह उठ क्यों गए? What's the matter? हाँ बहुत बड़ा, बताएंगे नहीं, हम नहीं बताएंगे। रियांजल एक सेकंड, राम डैड को आने दो फिर बताता। अरे अरे डैड के, परफेक्ट टाइमिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। व्हाट इज रॉन्ग विद ऑल ऑफ यू यार, शादी हो गई है अब क्या सरप्राइजेस के पीछे लगे हो तुम लोग? और नहीं तो क्या? ओके वेट, फर्स्ट यू हैव दिस। सोने तो देती भी है, अब ये क्या है? पहले जूस पी ले, उसके बाद जो हम लोगों ने सरप्राइज देना है ना वो उछलने लग जाएगा उसके बाद। बता। फाइन, तो सरप्राइज ये है कि हम सब ने आपके लिए हनीमून ट्रिप प्लान किया है। Yes, that a perfect honeymoon trip just for y'all. Honeymoon is a fantastic idea, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? Tickets कहाँ हैं हमारी? दो। अरे, Dad आप चिंता मत करो, मैंने गाड़ी को सजा के उसमें टिकट को भी सजा के शांति से रखवा दिया। I'm totally game for this. It's a lovely idea, यार। देखा प्रिया, बच्चे आखिर मेरे पे गए हैं। हाँ ठीक है, आप क्रेडिट लेना बंद कीजिए। कोई मुझे बताएगा कि हम जा करें, और वेट ए मिनट, अगर हम जा रहे हैं तो हमें पैकिंग भी तो करनी है। पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। Exactly. अरे वाह, यू गाइस आर टू गुड यार, दिस इज अमेजिंग। एक काम कर, अब हनीमून पे जा ही रहे तो वहाँ थोड़ी आधा घंटा रोज जॉगिंग कर लियो, जब तक वापस आएगा तो थोड़ा तो फिट लगेगा। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं कभी बदलूंगा नहीं, इसलिए मैं अब लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही रहने वाला हूँ। बस पापा अब आप लोग जल्दी से निकलिए वरना फ्लाइट छूट जाएगी। अरे एक एक मिनट, ऐसे कैसे जा सकते हैं? सुनो ना, मुझे तुम लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने। देखो वो दोनों दादी को टाइम टाइम पे मेडिसिन देनी है, और गुड़िया, हाँ गुड़िया की एक पेपर पेन लाओ ना, मैं जल्दी से लिस्ट लिख देती हूँ ताकि तुम लोग सब कुछ फॉलो कर सको। और हाँ वो प्रिया प्लीज गो, हम सब हैं, टेक केयर ऑफ एवरीवन, डोंट वरी। ओके ठीक है, बाय। एक्चुअली पहुंचने के बाद एक बार इन्फॉर्म कर देना, दैट्स मोर देन इनफ। एक बात सुन, हनीमून के लिए जा रहे हो तो लड़ते हुए मत जाना, आज से सारी लड़ाई खत्म, सिर्फ प्यार से रहना एक दूसरे से। अरे अब कहां लड़ेंगे हम यार, बहुत लड़ चुके, अब हम दोनों सिर्फ प्यार ही करेंगे, नो लड़ाई। तुम दोनों बड़े अच्छे लगते। एनीवे बाय, हैप्पी जर्नी। Thanks guys. Love you too guys. Thank you. Bye. अच्छा listen Mr. Kapoor, मैंने आपकी एक बात मान ली है।
आपको आलू के परांठे खाना अलाउड है, लेकिन उसके लिए ना आपको मेरी भी एक बात माननी होगी। कौन सी? आपको रोज आधा घंटे एक्सरसाइज करनी होगी और हाँ डाइटिंग भी करनी होगी, स्ट्रिक्ट वाली। अरे ये क्या बात हुई यार, नहीं नहीं ये सब मंजूर नहीं है यार। अभी अभी तो तुम कह रही थी कि मैं मोटा ही अच्छा हूँ, अब तुम कुछ और कह रही हो। मैं स्ट्रिक्ट डाइट क्यों फॉलो करूंगा, मैं अभी स्ट्रिक्ट दीदी को फॉलो करता हूँ ना, ये काफी नहीं है। यार मिस्टर कपूर आप बात को घुमा रहे हो कि आपको ये मेरी बात माननी होगी, नहीं तो आप पराठे भूल जाइए। ए यार दिस इज नॉट फेयर यार, एक बार तुम हाँ कहती हो उसके बाद ना नहीं कह सकती। ओके अच्छा मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। कैसी बात, भूख हड़ताल? पराठे नहीं खाना भूख हड़ताल कैसे हो गया? अरे डाइटिंग का मतलब वही होता है। नहीं यार मिस्टर कपूर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मान लीजिए चुपचाप। अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ओके प्लीज यार, प्लीज यार मिस्टर कपूर कम ऑन। आपका और हमारा सफर यही खत्म, आप हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन इतने सालों आपने हमें जो ढेर सारा प्यार दिया, हमारा साथ दिया, उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। So for all the love that you guys have for your spouses and for all the love that you guys have given the both of us, we have to say कि आप लोग सब हमें ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि आई लव यू। तुमने जानबूझ कर किया ना ये? क्या 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 किया क्या मैंने? तुमने तुमने वो लिफ्ट मैन से या वॉचमैन से, वो नीचे जो रिपेयर कर रहे थे उनसे कहा होगा कि जानबूझकर इस आदमी को ऊपर चढ़ के आने दो? एक मिनट, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे परेशान करने के लिए? टू अनॉय मी, टू इरिटेट मी, दिस इज एग्जैक्टली लाइक यू, आई शुड हैव नोन। आजकल ये जो मुंबई में हर शाम को तेज बिजली कड़कती और बारिश होती है, ये भी मैं ही करवा रही हूँ। ये जो गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ा, ये भी मैंने ही बढ़वाया। और ये पेट्रोल डीजल इन सब के प्राइसेस में हाइक हुआ, ये सब मैंने कराया। एक्चुअली क्या है ना, 5 साल से आपने मुझे जाना नहीं, मुझे बहुत पावर्स आ गए। इस एरिया की ना मैं लोकल गॉड हूँ, भगवान हूँ मैं यहाँ के, इसलिए करा रही हूँ मैं ये सब। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।